अस्सलाम वालेकुम गाइस जी, आज हम आपको विज़िट कराने जा रहे हैं CNC कटिंग शेयरिंग मशीन। जी अब हम इसको करते हैं स्टार्ट। अब हम आ जाते हैं इसके पैनल पर। जी हम आ गए हैं अब इसके पैनल पर और अब इसको हम करते हैं ऑन ग्रीन बटन से। जी ये हो गया हमारी अब ऑन और फिर हम आ जाएंगे इसके इस बटन पर, ठीक है। और जो ये 500 शो हो रही है ये हमारी है बैक गेज। अच्छा गाइज हम आते हैं अब इसके पैनल पर। अब हम इसे करते हैं स्टार्ट ग्रीन बटन से। हमारा हो गया ये अब स्टार्ट और उसके बाद ये जो है हमारा 500 शो हो रहा है, ये हमारी ये बैक गेज। और जो हमारा हो रहा है 250, ये है हमारा ब्लेड एंगल। और उसके बाद जो है हमारा ये 0.2, ये हमारी है शीट थिकनेस। जी हम इसकी अब करते हैं सेटिंग। पहले हमने आना है इस पे, उसके बाद हमने आ जाना है इस पे। तो बेसिकली ये क्या है हमारा, ये हमारी है पीछे गेज एडजस्टमेंट। तो इससे क्या होगा कि अगर हम कोई शीट काटते हैं तो उसकी हम यहाँ पे साइजिंग देंगे तो उसके साथ हम अटैच करेंगे और यहाँ से कट करेंगे तो ये हमारा यानी कि वो जो हमने साइज़ दिया है वो हमें कटिंग हो के मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आते हैं हम इसके इस पॉइंट पर। तो ये बेसिकली क्या है कि ये हमारा यहाँ पर बता रहा है ब्लेड एंगल। तो हम इसको कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। और उसके बाद आ जाते हैं हम इसके ऊपर, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि शीट की हमारी थिकनेस कितनी है। तो हम इसके ऊपर अब ऐड कर देते हैं 1.0। तो हमारा ये क्या हो गया 1 mm। और उसके बाद हमने आ जाना है इसके एंगल पर। तो अब ये क्या बता रहा है कि ये बता रहा है हमें 50। तो अब हमने इसे कर देना है 250। तो हमने ये ग्रीन बटन दबा देना है तो ये हमारा हो गया 1 mm पर एंगल सेट, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि हमने आ जाना है इसके ऊपर तो हमने इसकी बैक गेज सेट कर लेनी है। फर्ज़ करो हमने 300 mm की कटिंग करनी है तो हमने इसे करना है 300 mm। और उसके बाद ये ग्रीन बटन दबाना है। तो ये हमारा हो गया 300 mm। ये हमारा है कटिंग स्टार्ट पैडल। तो बेसिकली ये होता क्या है कि अगर हम इसे प्रेस करते हैं तो ये कटिंग स्टार्ट कर देता है, जैसे कि ये देखें। जी अब हम इसकी कटिंग स्टार्ट करते हैं। ये हमने रख दिया शीट, ठीक है। अब हमने कर दिया कटिंग इसकी स्टार्ट, ठीक है। अब हमने इसका पैडल प्रेस किया तो ये हमारी कटिंग हो गई है।